सीनियर्स मौजूद हैं उन सबका मैं स्वागत खैर मकदम करता हूं और बधाई देता हूं सांसद राजा रामपाल जी की अगुवाई में और पतंजलि सर ने जो है इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया वो बधाई के पात्र है। लॉन्ग अवेटिंग, बहुत समय से लगभग 65-66 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, हमने बहुत पीड़ा सही है मित्रों। देर से जागे मगर जागे जरूर, आने वाले लोकसभा विधानसभा इन सब जातियों के बिना मैं सबसे पहले जो है अनुरोध करूंगा सभी लोगों से, सभी मित्रों से, जितने भी हमारी ये कामगार जाती है, जितनी हमारी ये जो अति पिछड़ा है वो पहले एक गांठ बने, एक मुट्ठी बने और जो है पतंजलि जैसे वशिष्ठ जो है या जो जितने भी नेतागण हैं वो एक मंच एक बात होकर के जो है आदेशित करें कि जो है हमको जाना था। जब तक जो है गार्ड बनकर के जो है हमारा वोट एक जगह इकट्ठा होकर के नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता। मैं भी कांग्रेसी हूं, कांग्रेस में रह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के सम्मुख ही मैं ये बात कह रहा हूं कि कोई कुछ लागू होने वाला नहीं है। यदि इसको लागू करना है तो जो है उसको जो है वोटों के माध्यम से कहिए, मुझे लगता है वो राइट प्लेटफॉर्म है। आज जो है इससे 2-4 दिन पहले जो है बाकी जातियों के भी प्रोग्राम हुए हैं और जो उन्होंने अपने ताकत और अपनी गुंडागर्दी के दम पर वो जो है ओबीसी में शामिल हो गए। बहन कुमारी शैलजा जी ने एक बात कही कि जाना कोई नहीं चाहता, आना सभी चाहते हैं। तो मित्रों हम तो ऑलरेडी हैं, हम कहते हैं उसमें से हमको निकाल दो, हमको अलग कर दो, हमारा जो है वहां पर जो है हमको कुछ मिल नहीं रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी, मैं जो है आपके पास कुछ डाटा प्रस्तुत करना चाहूंगा। वह 16 नवंबर 1992 सिविल रिट प्रिडिक्शन 930 इंदिरा साहनी जी, इसका जिक्र जो है पतंजलि जी ने भी किया, 4 जजों की जजमेंट ने जो है जजमेंट दिया। वो टाइम पर रहनुमा देश के कुछ ऐसे थे, पार्टी के कुछ लोग ऐसे शामिल थे कि उन्होंने उसको लागू नहीं होने दिया। मित्रों आपसे निवेदन है कि जो है आज आने वाले लोकसभा विधानसभा में जो उनको मुंह तोड़ जवाब दो कि हमारे बिना, हमारे अति पिछड़ा के बिना कुछ होगा नहीं। आप जो है वोट केवल उसी जगह दीजिएगा जहां पर जो है आपके कैंडिडेट, आपके जो है नुमाइंदे जो है अगुवाई कर रहे हो, क्योंकि समय आ गया है जहां पर पहले जो है रजवाड़े होते थे वो आज खंडर बन चुके हैं, जो बरसों से राज कर रहे थे वो जो है आज जो है मजबूर हो चुके हैं। हेलो, वो मजबूर हो जाएंगे आप लोगों को टिकट देने के लिए, वो मजबूर हो जाएंगे आपके संख्या बल और आपके संगठन से। तो मेरा निवेदन है आप सभी मिलकर के जो है इस जो कामगार जाति है वो सभी जो है एक धार में, एक जगह जो है एक नाद में, यानी एक साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे मुट्ठी बन करके। और हम जो कांग्रेस के जो रहनुमा है उनको हम निवेदन करते हैं कि ये अति पिछड़ा समाज जो है यदि वो हाथ पर बढ़ेंगे हम उनका हाथ थाम लेंगे और आने वाली जो यूपीए की सरकार है उसमें जो है भरपूर जो है सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपू जी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं भाई बहन।